125 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में सिर्फ 21,000 जज हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट। मैंने सारा केस पढ़ा है, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तो जा और जाके सच को साबित कर दे। केस से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल बाहर लीक नहीं होना चाहिए। बस इतना कहूंगा कि आप सच्चाई के बहुत नजदीक हो। अब आप कोर्ट में गवाही देंगे तो सच भी साबित हो जाएगा। नया फॉर्मूला है माथुर साहब। पेप्सी और प्रमोद अपना फॉर्मूला बताते नहीं, तुम निश्चिंत रहो कुछ नहीं होगा। दीमक है जनाब, ये दीमक है, खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। वैसे तो अहिंसावादी इंसान हूं, लेकिन एक बार ना लॉ कॉलेज में एक 6 फुटे 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, मां कसम, यहां कान के नीचे घुसड़ मारा था, उठा नहीं 22 दिन तक बिस्तर से। हिंदी में बोल दियो, अटलूम कट करने की जरूरत नहीं। चलो जो होता है मतलब वो रिएक्शन आप साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा केसेस अभी भी क्या है पेंडिंग में पड़े हैं। लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट। मैंने सारा केस पढ़ा है, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तू जा और जाके सच को साबित कर दे। से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल बाहर लीक नहीं होना चाहिए। मैं इतना कहूंगा कि आप सच्चाई के बहुत नजदीक हो। अब आप कोर्ट में गवाही देंगे तो सच भी साबित हो जाएगा। क्या नया फॉर्मूला है माथुर साहब? पेप्सी और प्रमोद अपना फॉर्मूला बताते नहीं, निश्चिंत रहो कुछ नहीं होगा। प्रोड्यूसर कौन है इसका? फॉक्स स्टार स्टूडियो। दीमक है जनाब, ये दीमक है, खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। किसने बनाया ये? सुभाष कपूर ने पूरा राइट किया और लिखा हुआ है। प्रोड्यूस भी वही है ना? नहीं, डायरेक्टर से वही है, डायरेक्टर राइटर भी वही है। आवाज जॉली LLB 2 स्टेट वर्सेस जॉली LLB 2। कैसा लगा ट्रेलर? बढ़िया, पर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, मूवी देखने के बाद पता चलेगा अभी पूरी स्टोरी क्या है। कुमार की एक्टिंग मुझे अच्छी लग रही है, एक्शन मूवी है तो जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है। रियल स्टोरी पे तो वो बहुत अच्छा है। ट्रेलर में शॉर्ट में भी है तो चलेगी, लग रहा है चलेगी, पर अभी चलेगी पिक्चर, मूवी आएगा फिर पता चलेगा अभी कैसा है स्टोरी। नहीं, अभी ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर तो अच्छा ही है, ट्रेलर बढ़िया ही है, ट्रेलर बहुत अच्छा है। लोग के अगेंस्ट इतने सारे केसेस अभी पेंडिंग पड़े, फिर भी हर कोई झगड़ा करता है तो क्या बोलता है? कोर्ट में जाने क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, और पेंडिंग बढ़ेंगे। अच्छी मूवी लग रही है, फिर पता नहीं क्या होगा। सही बात है। कितने करोड़ का बिजनेस करेगी? 1.5 मतलब क्या? 1.5 तो फर्स्ट शो में ही हो जाएगा, तो 200 करोड़ देखते हैं ज्यादा से ज्यादा। ट्रेलर तो अच्छा है, पता नहीं अभी, ट्रेलर तो 80 है,
इसे देखना एक बार ट्रेलर देखेंगे चलो हम दोबारा ट्रेलर देख रहे हैं हमें अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा इंडियाज पॉपुलेशन 1.5 करोड़ ये लखनऊ का शूटिंग है करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच वकील की एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं बढ़िया तो आदमी एक दूसरे से क्या कह रहा है सेशन कोर्ट द लॉ इज नॉट ब्लाइंड जो लॉ है ना वो अंधा नहीं है उसको सब पता है कौन है हीरोइन हीरो कौन अक्षय कुमार डायरेक्टर कौन है इसका क्या नाम था डायरेक्टर का डायरेक्टर का नहीं पता 10 फरवरी को रिलीज हो रहा है राइटन एंड डायरेक्टेड बाय सुभाष ठीक है डायरेक्टर बाय कोर्ट ट्रांसक्राइब ठीक है कोर्ट में जाके मूवी देखेंगे ये ऐसा बोल रहे ट्रेलर तो पूरा कोर्ट का ही देखने जाएंगे 2017 हाँ स्टोरी कैसी है का है सौरभ शुक्ला अक्षय कुमार अनु कपूर जो कितने मिनट का वीडियो था स्टॉप कर 5 मिनट ओ ओ ओ दीजिए बस इधर कट कर